Chapter 1 verse 30 read. Verse 30. परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा पवित्रता धार्मिकता धार्मिकता धर्म धार्मिकता परमेश्वर मेरा धार्मिकता है तो परमेश्वर क्या है परमेश्वर एक उत्तम मेढपाल या एक शेपर्ड चरवाहा है जो ख्याल रखता है ओके परमेश्वर यहोवा यहवे है सब कुछ वो ही प्रोवाइड करता है सूरज को रोशनी कौन देता है फूलों में रंग कौन डालता है परमेश्वर जहोवा राफा चंगाई मतलब चंगाई में सब कुछ चलाने वाला कौन है चंगाई का राजा परमेश्वर चंगाई का यहोवा कौन है परमेश्वर ही है उसके बाद सिद्केनु धार्मिकता कौन है परमेश्वर परमेश्वर खुद धार्मिक है समझ में आ रहा है तो परमेश्वर धार्मिक फिर उसके बाद जब अपने मार्ग पर हम लोग जाते हैं गलतियां करते हैं हम लोग पर फिर भी परमेश्वर कह रहे हैं अरे यार निराश मत होना गलती हो गई आपसे ठीक है मैं शालोम हूँ मैं यहोवा शालोम हूँ शांति देता हूँ ठीक है चलता है गलती हो गई ठीक है छोड़ो अगर तुम मार्ग से हटकर घोर अंधकार की तराई से भी होकर जा रहे तो तुम्हें कुछ हानि की डर नहीं है कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है वो तुम्हें शांति देता है सब भेड़ तुम्हें खाने के लिए इर्द गिर्द रहेंगे तुम पे चीर फाड़ने के लिए और तुम हंस हंस के उनके बीच में से जा सकते हो क्योंकि तुम्हारा यहोवा शालोम अभी भी जिंदा है आगे क्योंकि तू मेरे साथ है यहोवा श्यामा का मतलब क्या है प्रभु साथ रहने वाला प्रभु प्रभु ने कहा ना कि दुनिया के अंत तक पक्का यहोवा श्यामा वो हर जगह हर समय हर मोड़ पर हमारे साथ है कि नहीं ऐसे नहीं कि हम कभी बहुत गंदे या तुच्छ होते हैं जिसकी वजह से यहोवा हमें छोड़कर जाते हैं फिर प्रभु प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना हे प्रभु आ जाओ वापस नहीं पानी रहेगा पानी प्रभु आ जाओ वापस क्या क्या कर रहे हो क्षमा क्षमा नहीं क्षमा श्यामा उसके बाद देखो यहोवा निसी जय का झंडा बस बस फाइव तूने मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है तूने मेरे सिर पर तेल बिछाता है समझ में आया जय कौन देता है निरंतर थैंक्स बी टू गॉड हु कॉजेस अस टू ऑलवेज ट्रायंफ इन क्राइस्ट जीसस धन्य हो परमेश्वर का जो हमें हमेशा जय देता है निरंतर जय देता है यीशु मसीह समझ में आया बस है बात निरंतर हमेशा हमेशा व्हाट इज द एक्चुअल वर्स इन हिंदी जो हमेशा जय के उत्सव में मेरे लिए चलता है जय हमेशा समझ में आया कभी आप हार सकते हो कभी आप हार सकते हो हार सकते हो कभी कौन हरा सकता है आपको यार आपका यहोवा निसी आपके साथ है हमेशा जीतते हो और उसके बाद ये परमेश्वर का नेचर है ये सब हो गया तो ऑब्वियसली परमेश्वर के सात नाम है एक्चुअली 16 है पर सात नाम वो मनुष्य के द्वारा प्रति है इट्स फॉर मैन गुडनेस एंड मर्सी करुणा भलाई सदा सदा आपके पीछे चल रही है गुडनेस भलाई होगा आपके साथ और करुणा यदि गलती भी हो भी गई तो भी दया होता है आपके ऊपर परमेश्वर आपके साइड पे है आपके विरुद्ध कौन खड़ा हो सकता है कौन ब्यूटीफुल हाँ ये परमेश्वर के बारे में हमने जान लिया बहुत खुश हो गए हमारे बारे में लेकिन सो हाउ डू वी गिव ग्लोरी टू गॉड परमेश्वर को हम महिमा कैसे दे सकते नंबर वन शेपर्ड्स हार्ट टुवर्ड्स ऑल हमारा भी हृदय चरवाहा वाला हृदय होना चाहिए लोगों के प्रति बकरी को कभी आप चिल्ला नहीं सकते हो वो हार्ट अटैक आकर वो मर जाएगा
भेड़ को, भेड़ को हार्ट अटैक आकर वो मर जाएगा वहाँ। भेड़ को कभी चिल्ला नहीं सकते, डांट नहीं सकते। आपको भी एक चरवाहा के जैसा बनना पड़ेगा। परमेश्वर को महिमा मिल रहा है, क्यों? ये परमेश्वर का नेचर है कि वो चरवाहा है। यदि वो चरवाहा है तो मैं कौन हूं? मैं उसके नेचर को प्रकट करूंगा। वो चरवाहा है तो मैं भी चरवाहा हूं। तो मेरे भेड़ जो है, मेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं मेरे भेड़ है, उनका ख्याल किसको रखना है? सुनो, मेरे इर्द गिर्द मेरे कौन है? मैं भी आपके लिए भेड़ हूं, मैं आपका चरवा नहीं हूं, पर मेरे लिए आप लोग चरवा हो और मैं भेड़ हूं। समझ में आ रहा है? आपके लिए ये सारे भेड़ है, आपके लिए ये सारे भेड़ है। तो भेड़ का क्या करूंगा मैं? ख्याल रखूंगा, एक दूसरे का ख्याल रखो, क्योंकि उस समय में जो भी आपके सामने वो आपका भेड़ है। पानी लाके दो, कुछ भी लाके दो, पीठ जो भी दर्द कर रहा है खुद करो उनके लिए, क्योंकि आपके भेड़ है। और परमेश्वर को उससे महिमा मिलता है, एक दूसरे का मदद करने से, एक दूसरे का भले करने में, प्यार से, एक दूसरे के साथ प्यार से। लिव विद ईच अदर इन लव, प्यार से रहो एक दूसरे के साथ। चिल्लाओ मत यार, भेड़ को कभी चिल्लाते नहीं है। हर चरवाहा जानता है कि भेड़ को कभी चिल्लाते नहीं है। भेड़ डर जाते हैं, रिश्ते खराब हो जाते हैं यदि आप चिल्लाते हैं। क्यों? भेड़ नहीं जानता, भेड़ डर चुका है और आपसे दूर रहता है, दरार आ जाता है चिल्लाने से। आप चरवाहा हो और हर जो कोई आपके बाजू में है आप उनका ख्याल रखो, उनका ध्यान रखो। पानी चाहिए तो पानी, कुछ भी देखो, तत्पर रहो इस पर कि आप उनका मदद कैसे कर सकते, क्योंकि वो आपके भेड़ है, आपका जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, आपका जिम्मेदारी है। समझ में आ रहा है? दूसरा जानो ये, दूसरा क्या है? जहवा जायरा प्रोवाइडर देता है परमेश्वर। आपको क्या करना चाहिए? रखना चाहिए अपने लिए, खुद के लिए देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप देते हो, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने दिया। परमेश्वर का स्वभाव है देना। परमेश्वर का क्या स्वभाव है? देना, देना बैंक। आपको देना बैंक बनना है, लेना बैंक नहीं। हाँ, आपको देना वाला बन, देने वाले बनना चाहिए। क्यों? परमेश्वर ने दिया, आपको भी देना है। सिर्फ पैसे के बारे में यहाँ पर नहीं कहा, अपने आप को देने में त्याग होता है। सब लोग जानो देने में त्याग होता है, होता है कि नहीं? अपना नींद त्यागना पड़ेगा देने के लिए। अपना इच्छा जो मुझे करना है वो त्याग करना पड़ेगा किसी को कुछ देने के लिए। त्याग करो, अपने बारे में मत सोचो। जो अपने बारे में सोचता है वो निराश होकर रहता है, सुखी नहीं होता है। वो सबसे बड़ा जो चीज है ना जीवन का मकसद, वो दूसरों के लिए जीना है। लिव नॉट फॉर योर ओन सेल्फ, बल्कि दूसरे के धन बिजनेस में, लुक इनटू अदर्स बिजनेस, दूसरे के धंधे में अपना ध्यान दो। पर है बाइबल वर्स है भाई सब, दूसरे के बारे में सोचो। थ्री, यहोवा राफा, वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है। तो आपको क्या करना है? तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? पास्टर के लिए रुकना है ताकि पास्टर आ जाए चंगाई देने। यीशु मसीह ने कहा सारा अधिकार मुझे दिया जाता है, इसलिए तुम जाओ, तुम चंगाई दो। अधिकार ये तुम्हें मैंने मुझे अधिकार दिया है, मेरे नाम में चंगाई दो, तुम करो। सिद्केनो, जेवा सिद्केनो, मेरा धार्मिकता। हाउ इज अ मैन मेड परफेक्ट? धार्मिक कैसा बन जाता है आदमी? अपने जबान पे कंट्रोल। परमेश्वर के जैसे और कैसे बन सकता हूं मैं? जबान पे लगाम दो। पूरा दुनिया बसा हुआ है, याकूब ने कहा जेम्स, द होल वर्ल्ड इज इन योर टंग। जबान पे लगाम दो, महिमा प्रभु को, महिमा प्रभु को, महिमा। ध्यान से दो क्या बोल रहे आप,
वो बोलने से ज्यादा ना बाकी चीजें मत बोलना जिससे प्रभु को नाम को क्या उसका वीडियो बन गया जिसको प्रभु को चोट उसके नाम को चोट हो समान पे लगा क्या बोल रहे आप इधर आओ सर क्या बोल रहे आप फाइव क्या है कंगाली में चलना प्रभु को महिमा मिलता है कंगाली में चलना प्रभु को महिमा मिलता है अरे परमेश्वर मुझे इतना भी मत दो कि मैं तुझे भूल जाओ और इतना ज्यादा भी मत दो यार क्या है वो परमेश्वर पूछेगा तू ही बता बाबा कितना चाहिए इतना ज्यादा इतना कब नहीं तू ही बता कितना चाहिए बाबा मुझे क्या पता है कितना ज्यादा तुम्हारा ध्यान हटाएगा पैसा गलत नहीं है पैसा बुरी नहीं है बुरी चीज नहीं है पैसा पर पैसा का प्यार जो है वो बुरी चीज है समझ में आ रहा है पैसा बुरी चीज है पर पैसा का प्यार द लव ऑफ मनी लोभ पैसा का लोभ बुरी चीज है तो यहाँ पर क्या लिखा है शांति शांति क्या है सिर्फ काम वाली भाई के बारे में बात ना शांति घर में तो शांति बस भूल जाओ हिल जाते हैं बहुत जल्दी हम हिल जाते हैं समय नहीं लगता है किसी को हमें हिलाने के लिए समय नहीं लग बात सुनने से पहले हम हिल जाते हैं फिर बाद में पता चलता है कि लायक नहीं था वो कि वो हम इतना हिले अरे मैं क्या कहूँ मैं नहीं आ सकता अरे नहीं आ सकते तो कैसे नहीं आ सकते क्यों नहीं आ सकते कि अरे मैं नहीं आ सकता हूँ उस टाइम पे मैं और जल्दी आ जाऊंगा अच्छा वो बन रहे हैं सर अरे तो पहले सुनो बहुत जल्दी हिल जाते हैं परमेश्वर को महिमा नहीं मिलता है क्योंकि परमेश्वर कभी हिलते नहीं है कोई परमेश्वर को हिला नहीं सकता मैं परमेश्वर शांति लाते आगे जव श्यामा सब जगह पर सबके लिए सब समय पर अरे रात के समय में फोन स्विच ऑफ करके रख दो ताकि कोई कॉल ना करे प्रेयर वेयर के लिए हाँ शालोम हो गया प्लीज अभी छह वाला शाम है ना अरे यार ये ब्रदर फिर से कॉल कर रहे हैं या सिस्टर फिर से कॉल कर रहे हैं यार फिर पकाएंगे छोड़े यार बाद में कॉल करते जैसे किसी का कॉल आए उठा लो जरूरत रहेगी हर जगह सबके लिए क्योंकि ये परमेश्वर को महिमा मिलती है समझ में आ रहा है ये परमेश्वर का एक ये है नेचर है और लास्ट वाला बी विक्टोरियस एंड सक्सेसफुल ऑलवेज हमेशा जय में जियो हमेशा जय में आपको कुछ हराने वाली चीज है ही नहीं केवल आप जब दौड़ोगे रेस में तभी ठीक है हार जाओगे ठीक है समझ में आता है पर हमेशा जय में जियो हार आपको मंजूर होना ही नहीं चाहिए क्योंकि हारने का आत्मा आपको दिया नहीं परमेश्वर हार परमेश्वर का महिमा नहीं दिखाता जय परमेश्वर का महिमा ठीक है आगे क्या है हिंदी में क्या कह सकते हैं उसको बड़ाई 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 किसकी करती है जो छोटा है बड़ाई किसकी करती है मैग्नीफाइंग ग्लास मैग्नीफाई मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास पता है वो चश्मा की पहनते क्यों क्योंकि जो छोटा है वो बड़ा दिखता है समझ में आ रहा है परमेश्वर के गुण जो है जो इतने छोटे हैं आपके अंदर कि हम कैसे परमेश्वर के गुण निभा सकते मैग्निफाई हिम हाउ थ्रू योर लाइफ मैग्निफाई हिम हाउ थ्रू योर लाइफ आपके बदन रीड साम्स 34:3 साम्स 34:3 एंड 69:13 मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें करेक्ट 69:30 मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूंगा धन्यवाद करते हुए तेरे बड़ाई कुड़कुड़ 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 करते हुए उसका बड़ाई होता है क्योंकि वो उसका नेचर नहीं है उसका स्वभाव नहीं है धन्यवाद देने से उसका मैग्निफ उसका बड़ा होता है
समझ में आ रहा है? तो जो चीज छोटी है, जो चीज छोटी है उसको बड़ा करना, मतलब क्या? परमेश्वर के गुण को दिखाओ दुनिया में। यदि वो नहीं जानते, आपको देखकर वो परमेश्वर को जानेंगे, समझ में? तो प्यार, परमेश्वर प्यार है, ये आप जानते हो, तो प्यार का एक प्रतिरूप बन जाओ। प्यार ऐसे दिखा दो, परमेश्वर का प्यार कैसा कि परमेश्वर जानेंगे, लोग जानेंगे कि परमेश्वर प्यार है। आपको एक और बात जानना चाहते हो कि कैसे बढ़ाई करें, जानना चाहते हो कैसे बढ़ाई करें? I never knew this. जानना चाहते हो कैसे बड़े करें? ठीक है, Acts 10:46 चमत्कार ना, Acts 10:46 प्रेरित होके काम 10:46 Ready for shock? क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति के की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। अन्य भाषा से 211 अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी है, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। बड़े बड़े कामों की चर्चा, मैग्निफाई, बढ़ाई, कैसे? अन्य भाषा से। जितना मैं अन्य भाषा में बात करता हूँ, परमेश्वर की बढ़ाई होती है। हाउ मच एवर आई स्पीक, वाई? बिकॉज द मोर आई स्पीक द मोर आई बिकम लाइक हिम। जैसे मैं बातें करता रहता हूँ उसके जैसे ही बनता रहता हूँ, बढ़ाई मिलती है। अन्य भाषा में बातें करो, परमेश्वर को महिमा देना है तो अन्य भाषा में बातें करो, परमेश्वर को महिमा देना है, और बातें करो और बातें करो और बातें करो और बातें करो। जितना आप अन्य भाषा में बातें करते हो परमेश्वर को महिमा मिलता है। वचन कह रहे, मैं तो कभी नहीं, आई मीन मैंने इतने ध्यान से कभी देखा नहीं है स्क्रिप्चर को। वाह, जब मैं अन्य भाषा में बातें करूँ मतलब परमेश्वर का बढ़ाई हो रहा है, बढ़ाई हो रहा है, बढ़ाई हो रहा है। वाह, परमेश्वर को महिमा मिल रहा है, और बातें करूँगा और महिमा मिले और बातें। तो सिर्फ महिमा हो करके बोलो मत, परमेश्वर का महिमा हो। अन्य भाषा में अपने टंग को इसके लिए यूज करो, अपनी जीभ को इसके लिए यूज करो, अन्य भाषा में बात करने के लिए। समझ में आ रहा है? नंबर वन, विश्वास परमेश्वर को महिमा देता है। रोमन्स 4:22 ये इनको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है? आप सब देखो रोमन्स 4:22 रीड इट, रोमन्स 4:22 विश्वास से परमेश्वर को महिमा मिलता है। और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह करो, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा। समझ में आ रहा है? परमेश्वर की महिमा विश्वास से करो। दूसरा, देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। 2 Corinthians 9 अच्छा ठीक है, don't okay? आप लोग पढ़ लो ये स्क्रिप्चर, क्योंकि प्लीज पढ़ लो प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, मतलब मेरे देने से भी परमेश्वर की महिमा होती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। लास्ट टाइम मैंने कहा, याद है कि जो आप देते हो उसमें आपका हृदय नहीं दिखता है, जो आप पीछे रखते हो अपने पर्स में उसमें आपका हृदय दिखता है। 1000 के नोट है, 100 के नोट है, चिल्लर 10 के और चिल्लर 10 दे दो, अरे 1000 बिल भर लें, बिल्कुल नहीं सोचो। आप सोचो, परमेश्वर ने अपना उत्तम दिया, वो छोड़ो, परमेश्वर ने अपना सब कुछ दे दिया, एक चिल्लर तक भी नहीं रखा पीछे। सोचो, तो आप मेडिटेट कर रहे हैं, ग्रोइंग इन ग्रेस एंड नॉलेज, मतलब अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते रहो, इससे परमेश्वर को महिमा मिलता है। दूसरा पत्रस 3:18 ये आप घर में पढ़ो प्लीज, इस पे मनन करो, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। दूसरा पत्रस 3:18 परमेश्वर के कार्य को खत्म करना, पौलुस ने कहा ना कि मैंने आई फॉर द फाइट आई वन द रेस, मेरा दौड़ मैंने खत्म किया, तो परमेश्वर का कार्य खत्म करना। तो यूहन्ना में 17:4 में यीशु ने कहा कि जो कार्य तूने मुझे दिया है वो मैंने खत्म कर दिया, इसे उसको महिमा मिलता है।
परमेश्वर ने आपको एक कारण के लिए यहाँ पर रखा है, वो कारण जानो, वो करो, उससे परमेश्वर को नहीं मिलता। नेक्स्ट, एक ही बुक में लिख दो ना, बाद में कॉपी कॉपी। गुड वर्क्स, आपके चाल चलन से, आपके अच्छे कार्य से परमेश्वर को महिमा मिलता है। मत्तै 5:16 आपके चाल चलन से, अच्छे कार्य से परमेश्वर को महिमा मिलता है। आप फल लाओगे तो परमेश्वर को महिमा मिलेगा, यूहन्ना 15:8 है ना। जब हम फलदायक होंगे तभी तो परमेश्वर को महिमा मिलता है ना। नेक्स्ट, प्रार्थनाओं का जवाब पाना परमेश्वर को महिमा मिलता है, जॉन 14:13। तो कभी मत कहना कि परमेश्वर तीन तरह से बातें करता है, प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, एक हाँ, दूसरा ना, तीसरा रुक जाओ, कट। परमेश्वर कभी तीन तरह से प्रार्थना का उत्तर नहीं देता, हमेशा एक ही, क्योंकि परमेश्वर को महिमा मिलता है, परमेश्वर को महिमा मिलता है, तो परमेश्वर कभी ना नहीं कहेंगे अपने खुद के महिमा के लिए, है ना। रेडी, नेक्स्ट, अन्य भाषा में बातें करते हुए प्रभु को महिमा दे सकते हो, Acts 10:46, अन्य भाषा करके प्रभु को महिमा। आपका अस्तित्व से प्रभु को महिमा मिलता है, योर एग्जिस्टेंस, Revelation 4:11, यू वर क्रिएटेड फॉर हिज प्लेजर, राइट। आपके अस्तित्व से प्रभु को महिमा मिलता है। और आखिरी में, उसके गुण प्रकट करना, उससे प्रभु को महिमा मिलता है, उसके गुण प्रकट करना, उससे प्रभु को महिमा मिलता है। इसमें कोई वर्ष नहीं है, आप जानेंगे, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, सबका हो गया, कैपेसिटी खत्म, कैपेसिटी खत्म या अगले संडे, और ठीक है। चंगाई परमेश्वर को महिमा देता है, यूहन्ना, रीड यूहन्ना 2:11। यीशु ने गलील की काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। पहला चिन्ह दिखाया, कौन सा चिन्ह, पानी को, और इससे क्या किया, महिमा प्रकट किया। अरे इसमें कौन सी महिमा थी, 11:39 and 40, ये तो हम जानते हैं, जब लाजर के टूम पे था, यूहन्ना 11:39 and 40। Now I come on the healing part, thank God. Don't give up it on me, please, थोड़ा देर और, just थोड़ी देर, क्योंकि अगर ये next Sunday कर दिया तो फिर flavor चला गया। 11:39 and 40। Read. यीशु ने कहा कि पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बनी मार्था उसे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। 39 और 40। यीशु ने उससे कहा कि क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। परमेश्वर की महिमा को देखेगी, मतलब क्या, मुर्दों से बाहर आना परमेश्वर को महिमा मिलता है, समझ में आया, मुर्दों से बाहर आना परमेश्वर को महिमा मिलता है। Acts 3, let's go in for a ride. Acts 3, 1 to 16. 1 to 16. पढ़ो। ये सब हम जानते हैं कि पत्रस ने कैसे लंगड़े व्यक्ति को चंगाई दिया। अभी चंगाई के बारे में सीखने वाले। इतना तो जानते हैं कि प्रभु को चंगाई देने में महिमा मिलता है।
तो यदि मैं टंग्स में बात कर रहा हूँ महिमा मिलता है परमेश्वर को। लोग अगर बीमार है मेरे सामने तो मैं परमेश्वर को महिमा दे सकता हूँ, कैसे, उसको चंगाई देके। पर यह जानना जरूरी है कि परमेश्वर को सबसे ज्यादा महिमा चंगाई में मिलता है। क्यों? क्योंकि लोग सभी बीमार है बाहर। आप बकबक करोगे ना, लोग सुन के चले जाएंगे, आप उनको चंगाई दो, वो आपके यीशु पे विश्वास करेंगे। हीलिंग इज द बेस्ट इवेंजेलिज्म, चंगाई सबसे बेहतर सुसमाचार प्रचार करने का एक तरीका है। पर आज हम सीखने वाले हैं चंगाई कैसे देना। तैयार हो सब लोग? चंगाई दोगे इस दिन के बाद? सब 90% जो चीजें आपने सीखे हैं आज तक, जो चर्चेस सिखाते हैं, गलत है। 90% नंबर वन, अरे वो अभिषेक है उसके ऊपर इसलिए वो चंगाई देता है। नंबर टू, अरे बहुत प्रार्थना करता है वो भाई, दिन रात प्रभु में रहता है इसलिए वो चंगाई दे सकता है। नंबर थ्री, ऐसे बहुत है, पापों की क्षमा, हाँ पापों की क्षमा की वजह से चंगाई नहीं हुआ तो तुम्हें पाप रहेगा इसलिए तुमने चंगे तुम्हें चंगा नहीं। हाँ मैंने तो प्रार्थना किया तुमको चंगा नहीं मिला, मतलब तुम्हारा विश्वास की वजह से है ना। और कितने जन और कितने कुछ आपने सीखा है किस चीजों की वजह से चंगाई होती है और नहीं होती है, सारे के सारे आपके दिल्ली आपके सिस्टम से डिलीट कर दो। एक कारण बताता हूं क्यों, क्योंकि इसलिए वो लोग वहां पर स्टेज के ऊपर है और हम यहां पर है, क्योंकि वो कुछ हमें ऐसे बता नहीं रहे हैं जो बताना चाहिए, वरना हम सब बाहर चंगाई देते स्टेज पे होते हैं। देखो सब स्टेज के पीछे बने बाहर सभी को चंगाई देते हो, ये सिंपल थिंग्स है, पर कभी उन्होंने बताया नहीं हमको। सब बताते टंग्स में, आई मीन लाइक यू नो, प्रे मोर फास्ट मोर, सच डीमंस डू नॉट गो अनलेस बाय फास्टिंग एंड प्रेयर, बाइबल में लिखा है ना, ऐसे दुष्ट आत्मा नहीं जाती है केवल उपास प्रार्थना से। ऐसी जाति, अच्छा जाति भी है, डीमंस का जाति भी देखना पड़ेगा। तुम्हारा जात कौन सा है बता, कहाँ से आया तुम, मद्रासी हो, यूपी हो, कौन है तुम, गुजराती जाए उच्चे कास्ट के हो, नीचे कास्ट के हो, कहाँ से, नहीं नहीं तुम्हारे साथ हम नहीं, चल जा। सबसे शक्तिशाली शैतान के ऊपर सबसे कमजोर विश्वासी का ज्यादा शक्ति होता है। द वीकेस्ट बिलीवर हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेंथ देन इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट सैटन। उनके सरदार को हमारे पैरों के नीचे रख दिया तो बाकी सब तो कुछ भी नहीं। तो फास्टिंग प्रेयर किसके लिए करना है? अरे उनको कहा गया था जिनके पास वो आत्मा नहीं थी। अभी जब आत्मा परमेश्वर स्वयं हमारे अंदर आ गए हैं, किस चीज का सामर्थ्य के लिए आपको उपास प्रार्थना करना पड़ेगा? किस चीज का सामर्थ्य? सारा सामर्थ्य आपके अंदर है। उपास प्रार्थना इसलिए करो ताकि तुम बदलो, ये नहीं कि तुम्हें कुछ मिले या तुमसे वहां तुम और बेहतर हो सको, तुम बदलो। उपास प्रार्थना के बिना भी कर सकते, पर उपास प्रार्थना तुम्हारे लिए, दूसरों के लिए नहीं, ताकि तुम ज्यादा सामर्थ पा सको, ताकि तुम जितना सामर्थ पास्टर क्रिस या लोगों के पास है, उन लोगों बेनियन के पास है, उतना ही सामर्थ आपके अंदर है, वरना परमेश्वर पक्षपात कर रहे हैं कि नहीं। वही आत्मा उनके अंदर है, पर उनमें एक चीज अलग है जो हम में नहीं है। सीखेंगे सीखेंगे, और ध्यान से दो क्योंकि ये प्रैक्टिकल है। इस दिन के बाद आप लोगों को चंगाई दोगे, आमेन। और इनफैक्ट आप ढूंढोगे बीमार लोगों के लिए, डॉक्टर के क्लिनिक में भी जाते हैं ऐसे टाइम पास में, बीमार क्या है, डॉक्टर का खाली हो रहा है क्लिनिक, इतना सिंपल है। बता दो आप, देखो नंबर वन, बस पढ़ो पढ़ लो, है ना कैपेसिटी, परमेश्वर की कैपेसिटी देखो, हमारा कैपेसिटी नहीं है। अभी तक प्रार्थना नहीं किया उन्होंने। प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे तभी ये लंगड़ा वहां पे बैठा था, प्रार्थना नहीं किया था उन्होंने, इनफैक्ट उनका प्रार्थना का समय भी मिस हो गया इस चीज की वजह से, क्योंकि उसके बाद भाषण देना पड़ा उसको।
प्रार्थना करो प्रार्थना करो, जितना प्रार्थना करोगे उतना समय तुमसे बाहर जा। अरे यार प्रार्थना इसलिए करो क्योंकि तुम प्रभु से प्यार करते हो, ये बहुत चिंदी चीज है, इसके लिए प्रार्थना करना पड़ेगा। जीसस ने कभी नहीं कहा कि बीमार के लिए प्रार्थना करो, हील चंगाई दे दो और आ जाओ, प्रार्थना करने के लिए कभी नहीं कहा। एक बात बताओ मुझे, जब हम प्रार्थना करते किसी